हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे भनवा बैंगन की सब्जी। तो आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 250 ग्राम हमने बैंगन ले लिए हैं। कांच के बोल में हमने पानी ले लिया है। इसमें हम बैंगन को काट के डालेंगे जिससे हमारे बैंगन काले नहीं पड़े। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। सारे बैंगनों को हम काट लेंगे। बैंगन बनाने के लिए हमने थोड़ी सी मूँगफली ले ली है, इनको हमने सेक लिया है। आधी चम्मच से भी कम हमने खोपरा ले लिया है। इसमें डाल देंगे मिक्सर के जार में। मूंगफली के दाने को भी डाल देंगे, इनको हम पीस लेंगे। ये हमने 2 प्याज ले ली है, 1 टमाटर ले लिया है, थोड़ा सा धनिया ले लिया है, 8-10 कलियाँ लहसुन की ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसको हम मिक्सर के जार में डालेंगे। अदरक को हम काट के डाल देंगे, धनिया भी डाल देंगे। ये हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। 2 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। इसमें हम हमारे बैंगन डाल देंगे, जो हमने पानी में डाल के रखे थे वो बैंगन डाल देंगे। बैंगन को हम थोड़ी फ्राई कर लेंगे। बैंगन हमारे थोड़े से फ्राई हो जाए इसलिए हम ढक देंगे उनको, बैंगनों को। बैंगन हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। थोड़े से नरम होने देंगे बैंगनों को। बैंगन को हम चेक कर लेंगे। बैंगन हमारे थोड़े नरम हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, आधी चम्मच राई डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे, 1 चुटकी हींग डाल देंगे, बिल्कुल थोड़े से मेथी के दाने डाल देंगे इसमें। अब जो हमने टमाटर और हरी मिर्ची का और इसका वो पेस्ट बनाया था, मसाले को भूंजेंगे हम लाल होने तक। इसमें 2 खड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे। इसको 1-2 मिनट पकने देंगे। मसाला हमारा पक चुका है, ये लाल हो चुका है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 3 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। जो हमने मसाला बना के रखा था वो भी डाल देंगे, मूंगफली का और खोपरे का। 1/2 कप पानी डालेंगे जिससे हमारा मसाला भुन जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल दिया था। इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे मसाले को। अब हमारे मसाले को चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें हमारा मसाला हो चुका है, तेल ऊपर आ गया है। इसमें हमारे बैंगन डाल देंगे हम। बैंगनों को अच्छा मिक्स कर देंगे जिससे हमारा मसाला बैंगनों में भिज जाए। आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। 1/2 कप इसमें पानी डाल देंगे हम। इसमें हमने पानी डाल दिया है। इसको हम ढक देंगे, कम से कम 10 मिनट तक इसको बैंगनों को हम पकने देंगे। हमारी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। बैंगन को हम देख लेंगे, बैंगन भी हमारा पक चुका है, अलग हो रहा है थोड़ा सा। गैस को हम बंद कर देंगे। इसमें हमारा धनिया डाल देंगे। ये देखिए हमारे भनवा बैंगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। आप बनाइए और खाइए, फिर हमको बताइए। हमारे भनवा बैंगन की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।